आजकल देश में अवैध नशे का कारोबार नौजवानों को बड़ी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नोएडा भी इससे अछूता नहीं रहा। पुलिस की गिरफ्त में दिखने वाले ये महिलाएं और पुरुष बेहद ही शातिर किस्म के अवैध नशे के कारोबारी हैं, जो नोएडा के छात्रों को नशीले पदार्थ बेचते थे। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 9 से इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 लाख रुपए और 8 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इन लोगों ने मोबाइल के जरिए अपना जाल बिछा रखा था और अधिकतर इनके ग्राहक रिक्शे वाले, टेम्पो वाले और बाहर से पढ़ने वाले छात्र थे। वहीं अपराधी भी इनसे ड्रग्स खरीदा करते थे। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि 2 अभियुक्ता हैं महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इसमें इनके द्वारा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की, गांजे की, शराब की तस्करी की जा रही थी, बिक्री की जा रही थी। इनके पास से 1.5 लाख के ऊपर कैश बरामद हुआ है और नशीले पदार्थ इनसे बरामद हुए हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है, 2015 से लेकर के अब तक कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं, जिसके कारण आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। और कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा इनको नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी और आगे इनके द्वारा जिनको रूटीन में बिक्री की जा रही थी, उनको भी इसमें विवेचना में सम्मिलित करते हुए और जो इनके संरक्षणदाता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दिल्ली में भी पता कर रही है कि ये लोग किन लोगों से ड्रग्स खरीदा करते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नोएडा से अनिल चौधरी के साथ हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।